हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में स्केचिंग के लिए ये सारे टूल्स कैसे यूज़ करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके पास ये सारे टूल्स होने ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे टूल्स का यूज़ कैसे करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। तो स्पेशली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेयर ड्रॉ करने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा और डार्क करेंगे, तो उसके लिए हम 4B की पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो और ज़्यादा हम डार्क करेंगे, अब हम लेंगे 6B की पेंसिल। तो मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं ऐड किए, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ऐसे ड्रॉ किया है। ज़्यादा डिटेल्स करूँगा तो बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहला टूल है हमारा मोनो इरेजर पेन, तो आप इसे हाइलाइटर भी कह सकते हो। तो इसकी शार्पनेस बढ़ाने के लिए आप क्रॉस कट कर सकते हो ताकि उसकी जो शार्पनेस है वो बढ़ सके और हाईलाइट ज़्यादा हो सके, इसलिए आप कट करो। तो अब हम हाईलाइट करेंगे, जहाँ जहाँ पर आपको हाईलाइट देना है वहाँ से हम इरेज करेंगे। तो इस टूल का यही इस्तेमाल है कि जहाँ पर ज़्यादा लाइट आती है तो वहाँ पर आपको हाईलाइट देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि ये टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टूल का कैसे यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हैचिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा डार्क एरिया हो गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगला टूल से क्ले इरेजर, ये देख सकते हो आप, इसे क्ले इरेजर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर डार्क इरेज होते हैं उसको हम इरेज करने के लिए क्ले इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम उसको इरेज करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे डार्क एरियाज वो अच्छी तरह से निकल गए। तो ये जो डार्क पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो क्ले होते हैं उसको चिपक जाते हैं। तो इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ इसके लिए भी नहीं होता, तो और भी हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्मॉल इरेज होते हैं वहाँ तक हमारा जो इरेजर होता है वो पहुँच नहीं सकता, तो क्ले इरेजर का यूज़ करके हम वहाँ पर हम डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप आई ड्रॉ करते हो तो उसके अंदर जो लाइट आती है तो उसके लिए आप क्ले इरेजर का यूज़ कर सकते हो। तो इस टूल का नाम है स्टॉम्प। तो स्टॉम्प कैसे यूज़ करते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले। तो आप इसकी साइज देख सकते हो। तो एग्जांपल के लिए हम आई ड्रॉ करने वाले। तो सबसे पहले हम जो स्मॉल एरियाज होते हैं वहाँ के अंदर का जो पार्ट होता है वो हमें ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए हम स्मॉल स्टॉम्प का यूज़ करते हैं। तो इस टूल का यूज़ इसके लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, तो अंदर का भी पार्ट हम ब्लेंड करेंगे। तो ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इस टूल को कहते हैं ब्रश, आप देख सकते हो। तो चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हैचिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्रश लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो इसका इस्तेमाल यही है कि ब्लेंडिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा लास्ट टूल है वो है ईयरबड्स। तो इसका इस्तेमाल कैसा होता है ये हम देखेंगे।
तो सबसे पहले हम हिचिंग करेंगे। तो अब हम करेंगे ब्लेंडिंग। तो आप ब्रश से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो, पर मेरा यही मानना है कि आप ईयरबड से ही ब्लेंडिंग करो, क्योंकि ईयरबड से अच्छी तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए आप ईयरबड्स का यूज़ करो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मैंने सारे टूल्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।